आज हमारा तीसरा दिन है चंडीगढ़ में और आज हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है। घूमने के लिए बहुत कुछ है लेकिन दिन को यहाँ मतलब रूम से बाहर निकल नहीं सकते, इतनी गर्मी है कि हम निकल नहीं सकते। देखिए हमारे यहाँ को ब्रेकफास्ट भी रूम में खाना पड़ा है, गर्मी बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों हम इस कारण से वापिस आ रहे हैं आज, नहीं तो यहाँ पर ज्यादा रह के कोई फायदा नहीं है। सही बात, आज हम घर जाएंगे। तो गाइस यहाँ देखिए धूप में सेम कुछ है नहीं है भाई, खतरनाक की धूप है भाई इधर तो। ये बहुत डाक बहुत डाक है। अच्छा छोड़ा इसको आगे जैसा चल कर उड़ जाइए जल्दी उड़ा मैं चल छाए इसमें उड़ा चल तू पकड़ने छाए से ऐसे उड़ाते पतंग देखिए। आराम से ये पतंग नहीं उड़ने वाली, हवा कुछ उल्टी लगी आई ओ भाई, अब तो ये खतरनाक हो गई। इधर घुमा इधर से कर नीचे से कर पता ही लग रहा है अभी मासी को पता ही लग रहा किधर को करना यार को देखो 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 तो गाइस मासी को पकड़ मासी मासी पकड़ो ना पकड़ी है देखो गाइस बहुत मेरी फोन लोग बहुत पकड़ी है ओ यार शिट गाइस मैं फालतू में लाई यार को बाग वो बहुत सारी बागराई यार को कपड़े हिल गए लगे यार को गाइस चुप जाइए मासी चाय मासी मासी यार को गाइस इनके कारनामे मेरा पकड़ी तो गाइस पकड़े तो देखो कैसे है देखो तो देखना पकड़ तो देखो कैसे है ये वेशम वेशम लोग वेशम लोग है यहाँ पर क्यों गाइस सही बोला ना मैंने मैं गलत बोला तो भी होता था। चलो अभी हम कुल चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का गाँव देखो बहुत बड़ा गाँव है लड़कियों वाला बैग डाला है। ये देख लो बुझ के डाल के चले हैं घर को। क्या करें? बैग बैग है बैग ले एक बैग मैंने भी लिया है सब ने बैग ही बैग लिए तीन चार बैग ही तो दिनों लिए हैं क्योंकि बैग हमें यहाँ पे सस्ते मिल गए हैं। टैब की
जब क्यों ले पीछे तेरा बैग, आगे देखो सैम के पास भी बैग है। बाबा तगड़ी ये शॉपिंग कर ली है इन लोगों ने। क्या सैम ले जा रहा अपने साथ पतंग को चोरी करके। नहीं इसके भैया ने दी है वंश ने। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप इधर और हम लोग धूप में चल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस, इसलिए हम नहीं रह पा रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। यहाँ देखिए गाइस गर्मी इतनी है कि पसीना निकल चुका है। फायदा ही नहीं है एसी का, भी कोई फायदा नहीं है। मन कर रहा है ठंडे पानी में घुस के रहने का। चलो हम तो पहले से काले हैं। गजब की बेइज्जती, गजब की बेइज्जती। कोई बात नहीं, ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं इसको ना। ये है चंडीगढ़ का रोड, ये चंडीगढ़ का रोड गाइस। अभी हम घर जा रहे हैं पर हमारा घर दिखाई दे रहा है। अभी हमारा घर दिखाई दे रहा है, बहुत ही धूप है इसी जगह। और घर भी बहुत दूर है जहां हमारा मां जी का घर है। और गाइस मेरे मुश्किल हो रही है सूट पहन लगाई मैंने। पुलिस चला काट देंगे गाड़ी का तक लगाई तो लगाई है यहाँ देखो गाइस। सब्सक्राइब भी करना गाइस, आप करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप करते ही नहीं है, कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो मेरी वीडियो को। देखते गाइस माँ की कसम नहीं आती थी, माँ की कसम घुसने वाले हैं पंजाब बॉर्डर को छोड़ने वाले हैं। गर्मी से छुटकारा मिल गया और ठंडी ठंडी। अभी मौसम भी खराब हो गया, अभी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग पहुंच गए अपने हिमाचल के बॉर्डर में और यहाँ पर देखिए सैम बहुत बिजी है आज। सैम आप क्या कर रहे हो? सौरभ जोशी के ब्लॉग देख रही है, ये सौरभ जोशी का फैन है। तो देखिए गाइस मासूम के चेहरे पे, ये भी अब ब्लॉगर बनने वाला है, कुछ टाइम में बन जाएगा ये ब्लॉगर। तो गाइस ये पूरी हिमाचल का आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर एक के अंदर हम हो चुके हैं गाइस। यहाँ पर बारिश हो रही है सुंदरनगर में, सुंदरनगर भी हर आवाज पहुँचने वाले पब्लिक। आधे काम लगा ना, दो हाथ दो पैर है ना काम का। एक बड़ी आवाज गाइस अभी हमने कर लिया है ओवरटेक, यहाँ पर लग गया है जाम। ये आ गई शादी वाली गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए बुंदर और टाइम हो रहा है 5:40। तो सैम को लग गई अब गुल्लू पहुंच गई ठंड, तो ये लगा रहा अभी स्वेटर। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लंच करने मालाबार होटल मालाबार में, रेस्टोरेंट में। तो गीतू दी अभी गए हैं कुछ काम से बाहर, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी लंच करने।
तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था 10 बजे और लंच हमारा भी शाम को हो रहा है। इसके बाद हमारा डिनर मुश्किल है होना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों से मिलेंगे बाद में। 10 बजे सुबह 10 बजे किया था हमने ब्रेकफास्ट, 11 बजे किया था सैम ने, तो और भी लेट। तो गाइस फाइनली मैं अभी रूम पहुंच रही हूँ, तो मैं बस से आ रही हूँ भुंतर से, तो वहां तक दीदी मेरे साथ है। हाँ वे, तो उसके बाद मैं बस में आई हूँ, तो अभी टाइम 7:30 बज रहा है, तो अंधेरा हो गया है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग, ठीक है? 150 रुपए गाइस ये क्रॉक्स मैंने सच में 150 के लिए सेक्टर 22 में, 22 नहीं सेक्टर 17 में लगी थी सेल, इतने मस्त है, बट बहुत बड़े हैं तेरी तरह सेम ना। हाँ, मैं लिया अपने साइज का, थोड़ा सब खुला तो बिल्कुल लग रहा है, पर ठीक है। ये गाइस मैंने टी शर्ट लिए 200 की, ये मैंने अपने भाई के लिए है। हाँ ये पीछे से डिजाइन वाले, मैंने सोचा उसको लेती हूँ कुछ अलग सा। ये लड़कियों के ऊपर अच्छी लगी, ये ली मैंने अपने लिए 200 की, ये स्पोर्ट्स वाली। नीले में, तो गाइज ये है 250 की वैलीज, ये कुल्लू में पड़ेगी मतलब 500-600 से। सॉफ्ट नहीं होती, ओ वाओ, और कुल्लू में ये बहुत महंगी मिलती है पता है, 500-600 से ऊपर ही। तो गाइज पता ही नहीं मेरी धड़कन, पता नहीं। और ये बैग पूछ कितने का लिया, कितने का लग रहा तुझे? मैंने ऐसा बैग लिया 500 का और मैंने लिया 250 में और एक बैग जैसे तेरे बैग ना बिल्कुल सेम था वैसे ही ना, वो था 300 का, मैंने सोचा बिल्कुल सेम तो क्या ही लेना ना, फिर थोड़ा मिलता जुलता सा लिया मैंने। हाँ वो सच में चंडीगढ़ से मंगाना चाहिए, इतने सही सही सामान मिलता उधर। तो गाइस बस मैंने इतनी ही शॉपिंग की है चंडीगढ़ से। हाँ वही, ज़्यादा क्या लेना था, मैंने पिछले कल घूमे हम इतनी जल्दी शाम को पता है, सुबह हॉस्पिटल गए थे, आज हम घूमे नहीं, आज हम डायरेक्ट आए। इसके बाद में अपने ब्लॉग पे एग्री करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। कैन आई चेक दिस?